ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीएम सर, बिजी शेड्यूल के बावजूद आप इतने स्ट्रेस फ्री कैसे रहते हैं? ये सवाल परीक्षा पे चर्चा में योल का आयुष पीएम नरेंद्र मोदी से पूछेगा। 20 जनवरी को दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जाना है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी देश भर के स्टूडेंट से रूबरू होते हुए उन्हें परीक्षा में सफल होने तथा स्ट्रेस फ्री होकर परीक्षा की तैयारी करने के टिप्स देंगे। पीएम सर, बिजी शेड्यूल के बावजूद आप इतने स्ट्रेस से फ्री कैसे रहते हैं? ये सवाल परीक्षा के चर्चा में योल का आयुष पीएम नरेंद्र मोदी से पूछेगा। 20 जनवरी को दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जाना है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी देश भर के स्टूडेंट से रूबरू होते हुए उन्हें परीक्षा में सफल होने तथा स्ट्रेस फ्री होकर परीक्षा की तैयारी करने के टिप्स देंगे। परीक्षा पे चर्चा विद पीएम मोदी के लिए हिमाचल प्रदेश से 10 स्टूडेंट्स का चयन किया गया है, जिनमें से योल का आयुष भगोत्रा भी एक है। परीक्षा पे चर्चा विद पीएम मोदी में भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स का चयन ऑनलाइन एंट्री के माध्यम से किया गया है, जिसके लिए स्टूडेंट्स को विशेष विषय दिए गए थे, जिनके जवाब देने के बाद इन स्टूडेंट्स का चयन किया गया है। आयुष आर्मी पब्लिक स्कूल योल कैंट का 10वीं कक्षा का छात्र है। आयुष के अभिभावकों के अनुसार उसके चयन की सूचना स्कूल को प्राप्त थी, जिस पर उन्हें भी इसका पता चला। 17 जनवरी को आयुष अपने स्कूल शिक्षक के साथ परवाणु जाएगा, उसके बाद वहां से दिल्ली के लिए रवाना होगा। 14 वर्षीय आयुष ने बताया कि वे पीएम से मिलने के लिए खासा उत्साहित है, वहीं उसके परिवार सदस्य व दोस्तों में भी खुशी का माहौल है। आयुष के अनुसार उसे हर कार्य में परिजनों के साथ साथ उसके दोस्त भी प्रोत्साहित करते हैं। आयुष ने बताया कि वे पीएम से भी एक सवाल पूछेंगे कि पीएम सर, आप इतने बिजी होने के बावजूद स्ट्रेस फ्री कैसे रहते हो? कुल मिलाकर परीक्षा पे चर्चा विद पीएम मोदी के लिए चयन होने पर आयुष खुश व उत्साहित है। परीक्षा पे चर्चा विद पीएम मोदी के लिए चयनित आर्मी पब्लिक स्कूल योल कैंट के छात्र आयुष का कहना है कि मैं अपने चयन के लिए भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। पीएम से बात करने का मौका मिल रहा है, ऐसे में मैं पीएम मोदी से बहुत से सवाल पूछूंगा। परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स तनाव में होते हैं, ऐसे में परीक्षा पे चर्चा स्टूडेंट्स के लिए संजीवनी का काम करेगा। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी सिलेक्शन की है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है इस कार्यक्रम में जुड़ने की। मुझे ये मौका मिल रहा है कि मोदी जी से बात करने की, और मैं प्रधानमंत्री जी से बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने एक टॉपिक लिखा था, जिसके ऊपर सब कुछ लिखा गया था। उसको मैंने बहुत 5-6 बार रीड किया, जिसमें मुझे कई सारी गलतियां भी मिली। फिर उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी से एक क्वेश्चन पूछा था, जो मेरा क्वेश्चन था कि आप इतने व्यस्त होते हुए भी कैसे मुद्दे व दूसरों लोगों के लिए समय निकाल पाते हैं। ये कार्यक्रम छात्रों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जैसे कि आपको पता है कि परीक्षा के दौरान छात्र तनाव से गुजरते हैं, तो ये प्रधानमंत्री जी हमें सीधा तनाव से मुक्त होने की प्रेरणा देंगे। साथ ही में ये छात्रों में संजीवनी का भी काम करेगी। सबसे पहले तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, जिसमें हर समय निर्धारित किया गया है, जैसे कि कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, जिस विषय में मुझे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, उस विषय को मैं ज़्यादा समय देता हूँ। जी हाँ, ये कार्यक्रम छात्रों के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे कि आपको पता ही है कि परीक्षा के दौरान छात्र बहुत बिजी रहते हैं, और साथ में उन्हें तनाव भी हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा कार्यक्रम चलाया है, जिसके कारण छात्रों में तनाव मुक्त होते हैं, और साथ ही में उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और उनका मनोबल भी ऊंचा होता है। मेरा ये मानना है कि अगर ये IAS वगैरह बड़े अफसर जो होते हैं, अगर ये छात्रों के साथ सीधे जुड़े परीक्षा के दौरान, तो उन्हें उनके अनुभवों से उनको अपने परीक्षा में तैयारी करने में अच्छा लगेगा, और साथ ही में उन्हें प्रेरणा भी मिलेगी। परीक्षा पे चर्चा वित्त पीएम मोदी के लिए चयनित छात्र आयुष के पिता राजकुमार का कहना है कि बेटे का चयन स्कूल और हमारे लिए गौरव की बात है, बच्चे को मौका मिला है, इसके लिए स्कूल प्रशासन का धन्यवाद। पीएम का कार्यक्रम बच्चों के लिए है, और बच्चों का देश के मुखिया पीएम से इंटरेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। तो हमें ये मौका मिला है प्रधानमंत्री से बातचीत करने का, बच्चे को जो मौका मिल रहा है, इसके लिए स्कूल प्रशासन का भी हम धन्यवाद करेंगे, तो बड़ा गौरव का विषय है। और ऐसे प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, ये परीक्षा पे चर्चा, ये बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ने का, एक जो देश का मुखिया है
उसके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, डायरेक्ट संवाद करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। एक बच्चे के लिए बच्चे का उत्साह बढ़ेगा तो बच्चा जो है जिंदगी में आगे जो है बढ़ेगा, तो इसके लिए मैं सभी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल योल कैंट के प्रिंसिपल अर्जुन का कहना है कि आयुष होनहार छात्र है और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अच्छी मुहिम है। मन की बात और परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से भारत सरकार जन जन तक पहुंच रही है। परीक्षा के दौरान बच्चों के स्ट्रेस लेवल को देखते हुए ये कार्यक्रम पीएम की अच्छी पहल है। जो भी सवाल पूछे गए थे, जब इसने पार्टिसिपेट किया, रिस्पॉन्स दिया, सिलेक्ट हुआ। अभी रहा मुहिम का सवाल, परीक्षा पे चर्चा या मन की बात या जो भी कहें, एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है, जिसके द्वारा न कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी बट पूरी भारत सरकार नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुंच रही है, जन जन तक पहुंच रही है। और विद्यार्थियों से बात करना, पहले तो ये दूर की बात होती थी, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी मन की बात के थ्रू और परीक्षा पे चर्चा के थ्रू बच्चों के स्ट्रेस लेवल का एक अंदाज़ा लेकर के जो इन्होंने मुहिम चलाई है, बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे स्कूल का, आर्मी पब्लिक स्कूल योल कैंट का मास्टर आयुष, 10th क्लास का बच्चा जो इसमें सेलेक्ट हुआ है, बहुत ही गर्व की बात है। ना कि आर्मी पब्लिक स्कूल योल कैंट के लिए बट पूरे हिमाचल के लिए, क्योंकि हिमाचल से जितने भी बच्चे इसमें अपीयर हुए थे, जिन्होंने भी नामांकन भरा था, उनमें से एक बच्चा आर्मी पब्लिक स्कूल योल कैंट का है और 10 बच्चे कुल इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो बहुत ही गौरव की बात है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हिमाचल के लिए और पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए। तो बहुत ही अच्छी मुहिम है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई, और उम्मीद है आगे भी ऐसा ही प्रोग्राम्स जो है वो चलते रहेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल योल कैंट के शिक्षक विवेक ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पीएम की सराहनीय पहल है। परीक्षा को लेकर बच्चों में जो तनाव होता है, उसे दूर करने के लिए पीएम ने एक मुहिम शुरू की है। कार्यक्रम में बच्चे पीएम से सवाल पूछते हैं और पीएम उसका जवाब देकर उन्हें स्ट्रेस फ्री रहने के टिप्स देते हैं। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही सराहनीय कदम है इसमें कि वो परीक्षा से पहले बच्चों से संवाद करते हैं। ये वो दौर है जिसमें बच्चों को तनाव होता है कि कैसे वो अपनी परीक्षा में जाके पार्टिसिपेट करेंगे, उनको तरह तरह के प्रश्न उनके माइंड में आते हैं। तो इसी लड़ी में हमारे स्कूल के एक बच्चे का चयन हुआ है, तो बहुत ही खुशी की बात है। ये हमारे स्कूल के लिए भी और हमारे राज्य के लिए बहुत खुशी की बात है। तो इसको हम देखना चाहेंगे कि बच्चे किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री जी उन प्रश्नों का और उन बच्चों की जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनका जवाब देते हैं।